नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग के ऑफिशियल आईडी पे कैसे लॉगिन करें। ठीक है दोस्तों, सो जान लेते हैं उससे पहले कि नेट बैंकिंग के यहाँ फायदे क्या हैं। सो दोस्तों, जो भी आप ब्रांच जाके काम करते हैं, वो घर बैठे आप आसानी से सारे काम कर सकते हैं। जैसे आपको आपके खाते की जानकारी जाननी हो, आपको बैलेंस पता करना हो, आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करना हो, या आपको किसी चेकबुक का रिक्वेस्ट डालनी हो, और बहुत सारे काम आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं नेट बैंकिंग की सुविधा से। सो आइए जान लेते हैं कि हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउजर खोल लेना है। जैसे आप देख सकते हैं मैं इस टाइम माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहा हूँ, आप गूगल क्रोम भी खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करना है, जो ये है ऑनलाइन SBI। आप देख सकते हैं जैसे मैंने लिखा ऑनलाइन, यहाँ पे इन्होंने मुझे रिकमेंड कर दिया। आप यहाँ पे टाइप करें ऑनलाइन SBI और इसको सर्च कर लें। सो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग का ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। सो कृपया करके ध्यान रखें, ये ऑफिशियल वेबसाइट www.onlinesbi.com यही ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, दूसरा कोई वेबसाइट ना खोलें। उसके बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिंक पे क्लिक करना है। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जैसे हमारे पास दो ऑप्शन मिलेंगे। जैसे इस इंटरफेस पे आप आएंगे, यहाँ पे एक है ऑप्शन पर्सनल बैंकिंग का और दूसरा है कॉरपोरेट बैंकिंग का। सो कॉरपोरेट बैंकिंग दोस्तों उनके लिए है जो बिजनेसमैन है, और हमारे जैसे हम लोग इंडिविजुअल हैं, सो हमारे लिए पर्सनल बैंकिंग है। सो दोस्तों, हम पर्सनल बैंकिंग के लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा एक इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे पर्सनल बैंकिंग लिखा होगा, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है दोस्तों, जो लिखा हुआ है कि OTP बेस्ड लॉगिन इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है हमारे बेटर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऐसा एक और इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पे दोस्तों आपसे आपका यूजर नेम मांगा जाएगा। ठीक है, आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा और कैप्चा जो यहाँ नीचे दिया है उसको आपको फिलअप करना होगा, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना होगा। सो दोस्तों, ये सब फिलअप करने से पहले यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है, जानकारियां दिया गया है, इनको हम पढ़ लेते हैं। सो पहला महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने ये दिया हुआ दोस्तों कि आपका हर 6 महीने बाद आपको अपना लॉगिन पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद इन्होंने दूसरा महत्वपूर्ण जानकारी दी हुआ दोस्तों कि आप अपना कभी भी OTP, पासवर्ड, यूजर इंफॉर्मेशन, यहाँ तक कि अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल किसी के साथ शेयर ना करें, किसी को ना बताएं दोस्तों। और इन्होंने बोला हुआ कि बैंक ये सारी जानकारियां कभी भी आपसे नहीं मांगता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको अपना जो प्रोफाइल पासवर्ड है उसको 1 साल बाद चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे हमने जानकारी पढ़ ली। अब जैसे ही यहाँ पे हमने ये सब जानकारी पढ़ ली, हम अपना यूजर नेम डालेंगे। सो मैं अपना यूजर नेम यहाँ पे डाल देता हूँ, जो इस प्रकार है। सो आप देख सकते हैं मैं अपना यूजर नेम यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ। सो मैंने अपना यूजर नेम फिलअप कर दिया दोस्तों। फिर अपना आपको अपने नेट बैंकिंग का पासवर्ड डालना होगा यहाँ। सो अब मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ दोस्तों। देखिए मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ, फिलअप कर रहा हूँ। सो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, और यहाँ से फिर मेरे को अगला ऑप्शन पूछेगा जो बॉक्स दिया हुआ वहां पे कैप्चा डालने के लिए। सो ये जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है उसी को यहाँ पे ऊपर भी फिलअप करना है दोस्तों। सो आप देख सकते हैं मैं कैप्चा भी डाल देता हूँ, और उसके बाद कैप्चा आपने डाल दिया तो लॉगिन पे क्लिक करना है। सो दोस्तों, जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक OTP जाएगा 8 डिजिट का, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है अकाउंट से, वह उस नंबर पे आपको 8 डिजिट का OTP जाएगा। सो दोस्तों, मेरे बगल में मैंने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रख रखा है, यहाँ हमें अपना OTP डाल देना है। सो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैंने OTP रिसीव कर लिया है। सो मैं OTP यहाँ डाल दिया हूँ, फिर आपको क्लिक करना है सबमिट पे। सो दोस्तों, जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे कुछ हमको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पे टैब्स दे रखे हैं, माई अकाउंट एंड प्रोफाइल, पेमेंट ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स, डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट, ई टैक्स, ई सर्विसेज, रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज। सो ये जो टैब्स हैं अलग
टैब्स के अलग अलग काम है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा जो आपका अकाउंट नंबर है वहाँ, वो यहाँ डिस्प्ले करेगा। उसके बाद ये जो अकाउंट है किस ब्रांच में है उसका नाम यहाँ डिस्प्ले करेगा। और दोस्तों आपको बैलेंस चेक करना होगा कि आपके खाते में कितना पैसे हैं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए अभी मेरे खाते में इस टाइम 247,203.34 रुपए हैं। दोस्तों मुझे और जो लास्ट 10 ट्रांजेक्शन देखना हो, हमें अब मुझे देखना है कि मेरे खाते से कितना पैसा कटा है और कितने पैसे आए हैं। तो मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो मुझे लास्ट 10 ट्रांजेक्शन जो भी है मैंने किया है वो दिख जाएगा। सो दोस्तों देख सकते हैं मुझे, मैंने अपने खाते से, मेरे खाते से अनुपम दास को मैंने 70 रुपये भेजा है। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है 11 फरवरी आज की तारीख को मैंने भेजा है। तो अपने मेन पेज पे जाना है तो आप माय अकाउंट्स एंड प्रोफाइल पे जाएं और अकाउंट समरी पे क्लिक करें तो सो फिर आप लैंड कर जाएंगे मेन वेब जो भी पेज है उस पे। सो दोस्तों आपने देख लिया, मैंने आपको बैलेंस दिखा दिया चेक करना, लास्ट ट्रांजेक्शन चेक करना दिखा दिया। जो आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें और भी सारी जानकारी मैं आपको देते रहूंगा इसके रिलेटेड, नेट बैंकिंग के रिलेटेड, कि कैसे इन सर्विसेज को हम यूज करके अपना काम आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। सो दोस्तों और एक चीज का जरूर ध्यान रखें, कभी भी आप अपना काम नेट बैंकिंग की सुविधा का इस्तेमाल कर चुके हैं उसको करना ना भूलें, हमेशा लॉग आउट जरूर करें। सो हम यहाँ से लॉग आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे दाहिने साइड के ऊपरी हिस्से में लॉग आउट का ऑप्शन है। सो जरूर दोस्तों इसको जरूर लॉग आउट करना कभी ना भूले। उसके बाद आपसे ये फीडबैक मांगेगा दोस्तों, जो आपका एक्सपीरियंस रहा इनके नेट बैंकिंग वेबसाइट पे वो अपना फीडबैक आप दे दे कि आपको बहुत अच्छा लगा, आप इसे सेटिस्फाइड हैं, तो आप ये वाला स्टार सेलेक्ट करके आप सबमिट पे क्लिक कर दें। सो दोस्तों अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।